आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ भीमराव जी अम्बेडकर, जो कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके नाती भी है और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यवाह भी है, और पूरे देश में इस कोरोना के लॉकडाउन में भी, चाहे लॉकडाउन था लेकिन धम्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए पूरे दिल और जान से देश भर में एक संगठन बना रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश का दौरा भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबा साहब की तीन मूलभूत संगठनाएं हैं जिसे हम मातृ संगठनाएं कहते हैं। एक है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है समता सैनिक दल और तीसरी थी भारतीय बौद्ध महासभा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल इशू है, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि बाबा साहब का एक बड़ा सपना था भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने का, उसके लिए समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा, इनका संयुक्त आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इन कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि इनका समन्वय नहीं दिख रहा है, तो क्या कारण है और ये समन्वय फिर से स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा? भारतीय बौद्ध महासभा, जो मैं उसका कार्याध्यक्ष हूँ, आज वो भारतीय बौद्ध महासभा 22 राज्यों में कार्यरत है जी। भाई, हम लोग ने भारतीय बौद्ध महासभा नहीं, बाबा साहब की धम्म क्रांति हम लोग ने महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी। भारतीय बौद्ध महासभा जिस 22 राज्यों में, वहां लेटरेट संस्था नहीं है, वहां पदाधिकारी है। जहां महाराष्ट्र में शिविरों के होते हैं, 24 प्रकार के शिविर होते हैं, वैसे तरह के शिविर वहां होते हैं। पिछले 5-6 सालों से हमारा प्रयास रहा है कि ये बाबा साहब का धम्म क्रांति ये सीमित न रखी जाए। इसके लिए पिछले 8 अगस्त को अंबेडकर भवन दादर में, बम्बई के दादर में, हम लोग ने बड़ा प्रोग्राम रखा, जहां देश के सभी वंचित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी समाज के लोग, उनके पदाधिकारी को लेके हम लोग ने मीटिंग ली, छोटा सम्मेलन लिया, 200-225 की गैदरिंग थी। वहां बताया जाएगा तो कुशवा समाज के लोग थे, मोरिया समाज के लोग थे, सैनी समाज के लोग थे, माली समाज, राजस्थान के माली समाज के लोग थे, जाटव थे, रामदासी थे, ये समाज के लोग इकट्ठे हो गए। एक दिन का सम्मेलन हो गया, उस सम्मेलन में तैर हो गया जो हम लोग ने भारतीय बौद्ध महासभा ने जो 5 साल का एजेंडा रखा है कि आने वाले 2025 में कुछ करोड़ लोग इस देश में धर्मांतरित हो गए, और उन लोगों ने बताया कि हम हमारे समाज में जाएंगे और लोगों को धर्मांतरित करेंगे। सभा की मीटिंग की शुरुआत ही भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्ति और त्रिशरण पंचशील से हो गई। हमने अजंता पूरा रखा उनके सामने। इनफैक्ट वो लोग बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करते हैं, पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट अजून नहीं है। वो हम लोग आने वाले समय में ऑफिशियली अनाउंसमेंट उनकी करेंगे। आने वाले 2021 में जो जनगणना होने वाली है पूरे देश भर में, आपको पता चलेगा कितने करोड़ लोग आज बौद्ध धर्मांतरित हो गए। बिल्कुल, ये तो सामने की बात है। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में, जो आपने जिक्र किया कि कुशवा है, बाकी समाज के लोग हैं, एक ओबीसी का तबका जो है बुद्धिज्म की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उन्हें एक मार्ग नहीं मिल रहा है कि कैसे धम्म दीक्षा ली जाए, कैसे करेंगे। तो ये जो पूरा क्रियान्वित करना है भारत को बौद्धमय करने का, क्योंकि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह से लोग बुद्धिज्म में आने के लिए तत्पर है, इसके लिए क्या कार्रवाई होगी? आने वाले समय में उनको मैंने बता दिया कि एक ट्रेनिंग सेंटर हर एक स्टेट में होना चाहिए जी, और वो ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारे समाज के लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। जैसे आज भारतीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र में देखी जाए तो केंद्रीय शिक्षक है, शिक्षिका है, बौद्ध धर्म पर अच्छे प्रकार प्रबोधन करने वाले लोग, ऐसे लोग हम लोग जुड़ रहे। मैंने बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्खु संघ, बौद्ध भंते जी, उनको महाराष्ट्र के ये बात रखी उनके सामने कि भाई आने वाले समय में आपका भी रोल बहुत अहम महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण होगा, और उसके लिए आप भी तैयार हो जाओ कि आप लोगों के पास जाओ और उन्हें बौद्ध धर्म सिखाओ।
सर एक बहुत बड़ी अड़चन है, वो कानूनी पचड़ा है कि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, धर्मांतर कानून के तहत जैसे बुद्धिज़्म में आने वाले लोग हैं उस पर वो चाहते हैं कि लोग ना आए, धर्मांतरित ना करें, हिंदू धर्म से निकल कर किसी और धर्म में नहीं जाएंगे, तो ये कानूनी पचड़ा है, इससे कैसे निपटा जाएगा? ये तो पहली बार मैं बोलता हूँ, ये तो गलत है सब। जो कानून बना हुआ है धर्मांतर के विरोध में, एक गलत कानून इस देश में बना हुआ है। संविधान में राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है, वो राइट का उल्लंघन है मैं समझता हूँ। इस कानून के जो देश की प्रतिमा जा रही है वो धार्मिक रुतिया जा रही है। ये देश सेक्युलर देश है ये बताने की आज जरूरत है, मैं ऐसे समझता हूँ। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय बौद्ध महासभा का था जब से वो स्थापन हुई कि सेंटर हो, बुद्ध विहारों की निर्मिति हो और जो हमारे पुरातन हमारी धरोहर है उसका भी बचाव हो। इसके लिए कुछ खास टास्क फोर्स आपके द्वारा तैयार की गई है या भविष्य में उसका कुछ प्रावधान है? इतिहास में एविडेंस के साथ ऐसा मालूम होता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 विहार चैत्य गुहास बनाई जी, और उस जो है कुछ बची हुई है उस पर अतिक्रमण हुआ है। यहाँ के मेजॉरिटी लोगों ने वहां देव देवता स्थापित किए हैं। आने वाले समय में हमारी मांग है, एक लेनी संवर्धन समिति करके मैंने महाराष्ट्र में गठित की हुई, बंबई में उसका कार्य चल रहा है कि वो जाते हैं वहां देखते हैं, उसका रिपोर्ट लाते हैं। हम लोग बार बार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लिखते हैं लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उतनी हमें सहायता नहीं मिलती। सरकार से अभी हम लोग केंद्र सरकार से हमें मांग कर की है, भाई भाई ये डेटाज है, ये लग रहा है कि यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध की बौद्ध धम्म की धरोहर है, तो इससे हमें उसका अतिक्रमण है निकाल जाए, नहीं फिर से बौद्ध धर्मियों को सौंपा जाए। बिल्कुल, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसके लिए स्थापित किया है उन्होंने हाथ में लिए आने उसका संवर्धन करें, पर वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए, ये मेरी मांग है। बिल्कुल, आखिरी सवाल, आपको भी बाहर जाना है, एक आखिरी सवाल कि जैसे कहा जा रहा है अभी रिसेंटली तालिबान में सत्ता, अफगानिस्तान में सत्ता पलट हुई, वहाँ तालिबान आया, हमारा देश का भी हाल कुछ इसी तरह होने को देख रहा है क्योंकि यहाँ भी धर्मांध शक्ति जो है वो तालिबानी जैसी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, कि हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की कोशिश कर रही। क्या लगता है अगर भारतीय संविधान न होता, उसकी धर्मनिरपेक्षता न होती तो इस देश का क्या अंजाम होता? तालिबान का अपने सामने उदाहरण है, ऐसा मैं समझता हूं। देश के हरेक नागरिकों ने जो संविधान के माध्यम से उन्हें हक और अधिकार मिले हुए वो सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए कि राष्ट्र जहां धार्मिकता राष्ट्र जहां धार्मिक राष्ट्र होता है वहां कोई अचीव नहीं करता, वहां कोई उद्दिष्ट ये नहीं होता है, वहां सिर्फ विनाश होता है, खाली विनाश होता है। हमने अभी अफगानिस्तान में देखा, हमने पाकिस्तान से 75 इयर्स हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत क्या है, कि उनका धर्म ये इस्लाम धर्म है। तो इसके लिए हर एक नागरिकों ने ये सोचना चाहिए, ऐसा मैं बताता हूँ ये भारत का नागरिकों ने, भाई हमें किस रास्ते से जाना है। भले यहाँ के जो राज्य करते हैं केंद्र के और राज्य के कुछ भी बोले, पर लोगों की सोच है, अभी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होने के कारण लोगों की सोच होनी चाहिए हमें कौन से रास्ते से जाना है। बिल्कुल, हमें कौन से रास्ते से जाना ये सोचना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाती भीमराव अम्बेडकर जी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों पर चर्चा हुई और उन्होंने मार्गदर्शन किया। सर आपने आवाज़ इंडिया टीवी के लिए आपका बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।